Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. आप लोग देख रहे हैं सैयद शहरोज अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पे आने वाली वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले जल्दी से, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए चलते हैं ब्लॉग का आगाज करते हैं। वालेकुम, क्या हाल है भाई लोग, खैरियत से हैं सब? ठीक है आप लोगों की? और सुनाए क्या हाल चाल है भाई। और ठंड का मौसम भी आ चुका है भाई की, सुबह हो चुकी है, बिल्कुल फ्रेश हूँ। बस ये कि बहुत छोटी रात हो गई, सुबह आँख खुल जाती है और पता भी नहीं चलता, नींद भी नहीं पूरी होती। और रात भर एक तो हमारे को काम भी करना पड़ता है चैनल वगैरह के लिए, तो बड़ी मुश्किलात होती हैं। और आप लोग सुनाए सब ठीक ठाक हैं? चलें आज चलते हैं बाहर की तरफ, आज जाना है बाहर थोड़ा घूमने फिरने, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। चलें ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। अब मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास आज, और मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ शॉर्ट ड्राइव पर। तकरीबन कोई बनता है हमारे घर से और गुलशन का डिस्टेंस बनते हैं तकरीबन कोई 16-17 किलोमीटर है। आना और जाना बहुत लंबा हो जाता है। चले मैंने बोला आज आप लोगों को भी लेके चलते हैं। आज नाश्ता मैंने भी नहीं करा, मैं वापसी में नाश्ता करूँगा, तो मैंने बोला चलें और पहले रोड की तरफ चलते हैं, फिर नाश्ता भी कर लेंगे, कोई बात नहीं है, नाश्ता करे बगैर भी रह सकते हैं हम। चलें अब रास्ते में मिलते हैं, फिर थोड़ा दिखाएंगे आप लोगों को भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आजकल भाई। चलें जल्दी से आ चुका हूँ डॉक्टर के पास, आज काफ़ी टाइम बाद आया हूँ क्योंकि असल में कल आना था, मेरा अपॉइंटमेंट था, लेकिन एहतजाज वगैरह की वजह से मैं नहीं आ सका। और अब बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ मैं, अब देखेंगे कुछ टाइम बाद क्या होता है क्या नहीं होता। चलें अब वापसी चलते हैं, फिर दिखाता हूँ। बिल्डिंग है, ज़रा चेक करें कितनी ऊंची ऊंची बनाते हैं ये लोग, ज़रा ये देखें हाइट चेक करें ज़रा, खौफ नहीं आता होगा ऊपर छत पे जाने के बाद। ये है गुलशन का चेहरा, इसकी बिल्डिंग है ये। बाइक पे ज़रा देखें बलून कैसे लेके जा रहा है ये। आज हफ्ते का दिन और मैं घर से निकला था जब भी इतना ही ट्रैफिक था, और अभी भी देखें मुसलसल इतना ट्रैफिक है। उस टाइम वीडियो बनाने में इशू ये आता है कि धूप जो है ना, सनलाइट का रिफ्लेक्शन जो है बहुत तेज़ी से आ रहा होता है, तो वीडियो बनाने में मसला ये होता है, फिर कहीं अंधेरा आ रहा होता है कहीं रोशनी आ रही होती है। अभी तो ये है कि एक जैसा ही आ रहा होता है जहाँ भी आ रहा होता है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है आज इन रोडों पर, अल्लाह जाने क्यों है, क्या पता है एहतजाज वगैरह की वजह से हो या क्या है। तो टाइमिंग भी अभी कोई ऐसे ख़ास नहीं है, 3 बज रहे हैं अभी और ट्रैफिक देखें ज़रा। शाहर फैसल वगैरह की खूबसूरती चेक करें ज़रा, ना यहाँ कहीं ट्रैफिक इतना मिलता है ना कुछ। अभी थोड़ा देर पहले ही आपको दिखाया कैसा ट्रैफिक था, यहाँ देखें ज़रा ना कोई ट्रैफिक है ना कुछ है, रोड चीज़ें सब ज़बरदस्त हैं ऐसी है। काश हमारे पूरे कराची की हो जाए सड़कें चीज़ें तो कितना बेहतर हो जाएगा। अभी मैं शाह फैसल में दिखाऊंगा तो इतनी बुरी हालत को इन लोगों ने करी हुई है कि जगह जगह रोड तोड़ के डाले हैं। अभी यहाँ देखें आप, ज़रा सा आपको एक खड्डा एक चीज़ नज़र नहीं आएगी यहाँ पर। ऐसी मैं भी चाहता हूँ कि पूरे कराची में ऐसी चीज़ें हो जाएँ तो कितनी बेहतरी है कराची वालों के लिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि हर दूसरा तीसरा बंदा हर कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, इन चीज़ों में मुब्तला हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि खड्डे चीज़ें इतनी हैं कि बस। आप लोगों को जैसे बताया था ना शाह फैसल में दिखाऊंगा, देखें रोड 1 महीना हो गया इसको टूटे हुए तकरीबन, और यही शाह फैसल का था तो वो तो 2 दिन में बन गया था। ये देखें ज़रा, अब हम खाएंगे दोपहर का खाना क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, नाश्ता मैं करके नहीं गया था और भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। अब ये हमारे दोपहर के खाने में तहारी, और जैसा कि हमारे घर में लाइट नहीं है, ये देखें ज़रा लाइट भी नहीं है। और चलें जल्दी से खाते हैं खाना, आपको भी खिलाता हूँ मैं भी खाता हूँ। और जैसे कि देखें पापड़ हैं, पापड़ के बगैर मेरा खाना हज़म नहीं होता है। चलें जल्दी से खाएं, अब मैं खाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मी बहुत हो रही है, बड़ी मुश्किल से खाना खाया जा रहा है, लेकिन मैं खाना खाने के बाद मिलता हूँ फिर जल्दी से। हमारे पास शाम की चाय के साथ है केक और चाय, केक भी खाएँगे और चाय भी खाएँगे। लाइट अभी तक आई नहीं है और मैं लाइट का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन चलें मेहमान आए हुए थे तो हमने कहा उनके साथ भी खाते चलें। आप लोग खाएं ज़रा, मेरे को बहुत मिर्चें लग रही है खाना खाने के बाद, पसीने भी बहुत आ रहे हैं। मैं खाता हूँ जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, पसीने आ रहे हैं मेरे को बहुत। चले मैं खाता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लाइट भी नहीं थी ऊपर से और मिर्चें बहुत लग रही थी मेरे को। चलें जल्दी से मैं चाय वाय भी पी के फारिग होता हूँ, फिर कुछ और करना है क्योंकि फिर देखते हैं फिर क्या करता हूँ।
को भाई मुबारक हो। कुछ तो गुड न्यूज़ है आज के व्लॉग में, क्या होने वाली है ज़रा गैस तो करें थोड़ा सा आप लोग, कोई ना कोई तो है गुड न्यूज़। ये देखें, ओ नहीं नहीं चले दिखा देता हूँ। अरे नहीं भाई इतनी आसानी से, थोड़ा तो इंतज़ार कर लो, मैंने भी इंतज़ार करा भाई बहुत। चलो दिखा देता हूँ यार आप लोगों को, आप लोग मेरी फैमिली हो। मुबारक हो भाई 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट, माशाल्लाह माशाल्लाह सब माशाल्लाह बोलिएगा, लाजमी कमेंट्स आने चाहिए माशाल्लाह के। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपना टारगेट अचीव कर लूँगा। आप लोग की बदौलत ही सब कुछ हो पाएगा, बस आप लोग भाई को सपोर्ट करें, करते रहें करते रहें करते रहें और करते रहें। मैंने बोला आप लोगों से भी अपनी खुशी, हर खुशी जो होगी, गम हो तकलीफ़ हो कुछ भी हो, आप लोगों से शेयर करूँगा, तो मैंने आप लोगों से शेयर करता हूँ। अभी मैंने अपने घर में नहीं बताया, अभी उन लोगों को भी बताता हूँ, रिएक्शन चेक करूँगा क्या होते हैं उन लोगों के। चले आए घर वालों के रिएक्शन लेते हैं। हमारे पार्टनर जैसे कि आ चुके हैं तो इनसे सबसे पहले रिव्यू लेंगे। अफजल भाई आपको कैसा लगा कि हमारे माशाल्लाह से आज 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं? अस्सलामुअलैकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। मैं अपने तमाम देखने वाले दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ, अस्सलामुअलैकुम, और आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद शेरोज़ अली को भरपूर सपोर्ट की। और आज हम अपने मकसद में बहुत अच्छी तरह से गामजन है, ये सब आपकी सपोर्ट और हौसला अफजाई का नतीजा है। बेशक कि आज हमने 200 सब्सक्राइब मुकम्मल कर लिए हैं। मैं बस आप सब दोस्तों से इतनी सी गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल सैयद शेरोज़ अली को इसी तरह सपोर्ट करते रहें और हमारी हौसला अफजाई करते रहें, ताकि हम अपने मकसद में भरपूर तरीके से कामयाब हों और अपने तमाम देखने वाले दोस्तों के लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। शुक्रिया। ये बात तो सही बात है, सही है कि काफ़ी सपोर्ट किया है तो आज हम यहाँ तक पहुँच सकें। अब रिव्यू लेंगे हम नबिया का, लेते हैं सबसे पहले नबिया का रिव्यू, उसके बाद नबिया का क्या रिएक्शन है नबिया को बताते हैं ज़रा। नबिया मेरे चैनल पे जो है कि मैं आपको बताता हूँ 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, क्या कहना चाहोगी आप? जो भी लोग देख रहे हैं उनको मैं सबसे पहले करती हूँ सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की बदौलत हुआ है। ये बात तो है, इसी तरीके से हम लोगों को सपोर्ट करते रहे। जी बिल्कुल, लोग तो कर रहे हैं माशाल्लाह से सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरीके से करते रहेंगे। चलें अब अम्मी से रिव्यू लेते हैं फिर मैं देता हूँ। अम्मी से रिव्यू, हमने नबिया का भी रिव्यू दिखाया आपको और अब लेते हैं अम्मी से रिव्यू। अम्मी क्या कहना चाहेंगे, आज 200 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं अपने तमाम देखने वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारे चैनल सैयद शेरोज़ अली को इतना सपोर्ट किया। मैं अब आपसे गुजारिश करती हूँ चैनल सैयद शेरोज़ अली को इस तरह सपोर्ट करते हुए करते रहें और हमारे हौसला अफजाई करते रहें। शुक्रिया। मसला है ये लोग कैमरे के सामने तो वैसे ही नहीं आएंगे, लेकिन पीछे से भी बोलने में बड़ा शर्मा रहे थे और हिचकिचा रहे थे। चलें अब मैं देता हूँ अपना रिव्यू, मैं बताता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई क्या नहीं हुई, क्या करा मैंने इस पूरे व्लॉग्स में, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये मेहनत थोड़ी सी मेहनत नहीं है, मुझे सीरियसली एक वीडियो बनाना भी नहीं आती और कभी मैंने अपनी सेल्फी नहीं ली है, लेकिन बस जज्बा था जुनून था। मैं काफ़ी महीने से रिसर्च कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया है, जैसे कि मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं और मेरे पार्टनर, जैसे मैंने आपको दिखाया ये बहुत यानी कि बड़े हैं एज में, लेकिन इन्होंने ऐसा रूप दिखाया कि भाइयों जैसा, तो ये सपोर्ट होना लाजमी है। उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि मेरे को वीडियो बनाना नहीं आती थी, मैंने प्रैक्टिस करी मैंने बनाई, थोड़ा हुआ गलत हुई सही हुई, मेरी आप शुरू की वीडियोज़ जाके देखें ज़रा, उसमें मेरे काफ़ी एडिटिंग के लोगों चीज़ें काफ़ी शो हो रही हैं, लेकिन उसके बाद मैंने ऐसा ऐसा फिर रिसर्च करी, मैंने रिसर्च नहीं छोड़ी। उसके साथ अपने चैनल पर मैं मेहनत करता रहा ताकि एक दिन मुझे पता है कि ये मुझे हासिल, जो मुझे करना है वो मुझे हासिल होगा। ला हासिल कोई भी चीज़ नहीं होती, हर चीज़ हासिल हो जाती है, बस थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन हमें उस काम को नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद ये हुआ कि वीडियोस बनाता रहा, उसमें मेरा कॉपीराइट का ऑब्जेक्शन लगता गया, मुझे फिर समझ नहीं आया, मैं हिम्मत हार गया।
फिर मैंने नहीं सोचा कि यार हिम्मत हार गया तो बैठ जाऊंगा, नहीं, फिर मैं उसमें लगा और मैंने फिर मेहनत करी, करता रहा। आज ये रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। माशाल्लाह से मेरे 200 सब्सक्राइबर जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह ये सब जो है मैं तो आप लोगों का ही कहूँगा, क्योंकि ये सब कुछ आप लोगों की बदौलत हुआ है। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मुझे देखा है, मुझे पसंद करा है। ये सब व्यूज़ चीज़ें हैं, ये सब आने जाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन हौसला अफजाई जो है सबसे बड़ी चीज़ है। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम लोग अपना मकसद हासिल कर लेंगे, और मैं चाहता हूं कि बस इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें। चलें इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक दीजिए भाई को इजाज़त, मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट कर ले, शेयर कर ले। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।